मैं लेट हो रहा था, पर मैंने कहा नहीं यार, पंक्चुअल होना चाहिए, आपको मैं वेट नहीं करवा सकता। तो मैं इसलिए मैं कार में ही लाइव आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम लेट हों। पहले तो सबको 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 जय माता दी, जय श्री राम। हम यहाँ तक भी पहुंचे, सबको बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और मैं अच्छे से अभी देख नहीं पा रहा हूँ, पर आप लाइव पे ही रहो। अभी मैं पहुंच रहा हूँ, कहाँ मेरे को पहुंचना है बोलो। हाँ बस यही बाहर ही है, बस मतलब 100 मीटर पर लेफ्ट है हमारे बस। ठीक है तो जो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मैं लेट नहीं कर सकता था इसलिए मैं यार, सो हैप्पी फॉर यू ब्रदर। थैंक यू अर्जुन भाई, आ गए आ गए, लाइव आ गए। थैंक यू करण भाई, मुंबई के ट्रैफिक किधर जाना, बहुत भीड़ है भाई। रियल विनर मेरा भाई, थैंक यू खान साहब, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू चेष्टा, थैंक यू सो मच। मैं ऐसा ही हूं। अरे मुझे नहीं पता था ये बोलना बाहर इतना चल जाएगा, पर मैं ऐसा ही हूँ। सच में मैं ऐसा ही हूँ। अब आपने इसी अभिषेक को इतना पसंद किया, आई एम सो ब्लेस्ड कि आपने इतना प्यार दिया। अभी मैं थोड़ी थोड़ी कार भी चला रहा हूँ क्योंकि पहुँचना है मुझे, और मैं लेट हो रहा था। मम्मा पापा को मैं छोड़ के आया हूँ, आज अभिषेक की वजह से इतना ट्रैफिक लग गया है। अरे नहीं, ट्रैफिक रहता है मुंबई में, कोई ट्रैफिक नहीं, माहौल बना दिया। थैंक यू इंदौरी भाई, थैंक यू सो मच भाई, विनर, थैंक यू सुहाना, हाय मीनाक्षी, थैंक यू। रियल द बेस्ट था। चलो थाईलैंड, आदिल आदिल भाई आए, जोत रमारा विनर, बहुत खुशी हो रही है मेरे को, सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मतलब मैं जैसा था वैसा ही रहा और मैंने वैसा ही खेला। और बस मैं ये बोलना चाहूंगा, प्लीज किसी को हेट मत दो और सबको प्यार दो, सब अपने अपनी तरह से खेल रहे थे और किसी को भी हेट ना दो। विनर विनर चिकन डिनर, हाय रश्मित, सबको प्यार दो प्लीज। और जितनी भी गलतियां हुई मुझसे मेरी 105 दिन की जर्नी में, गलतियों को माफी दे देना प्लीज। अब जब मैं जा रहा हूँ ना, ऐसे लोग पहचानते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ओहो लोग ऐसे पहचान रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। यू मेड ऑल ऑफ अस प्राउड, थैंक यू आदिल भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कहाँ जाना सीधा, लोग पहचानने लग गए, मास्क लगा ले। नहीं अभी तो पहुंच ही गए। आप सबको मेरी जर्नी कैसी लगी, क्या क्या खामियां लगी, क्या क्या अच्छाइयां लगी, प्लीज बताइए। रुकिए अभी ट्रैफिक,
भाई इतना ट्रैफिक यार, पीछे गाड़ी है लेफ्ट में। मुझे नहीं लगा था मैं ऐसे लाइव करूंगा कि मैं कार में लाइव जा रहा हूं। अराइव तो हो ही नहीं रहे हम। प्रिंसिपल जी ने कुछ किया है दिखाना पाजी, तुझे निकल गए? नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर निकल गए यार। किधर जाना है पाजी? सॉरी मैसेज ऊपर हो गया। बस यहाँ से लेफ्ट लेना है, ये गाड़ी खड़ी दिख रही है ये। हाँ यहाँ से लेफ्ट अंदर। ज्वाइन हो रहे हैं लोग। आप किधर जाना? सीधा सीधा चलता रहा हैंडल में बिल्कुल। सम्राट खड़ा है बोला बाहर। You have arrived. आगे से लेफ्ट को साले सीधा अंदर। ऑन दे डॉगी बैठा है। ले आओ हूँ। अभी देखो मैं सीढ़ियों से मेरे को 11th फ्लोर जाना। अरे लिफ्ट से आना, तू लिफ्ट से आ जा। अरे थक थैंक यू अंकित भाई, पंजाब विच गा पै गया। थैंक यू करण वीर, डोंट यूज फोन। मैं यूज नहीं कर रहा सत्ती जी, तेरे को बोला था ना, मेरे को खंग आ जाएगी खंग। हाँ 11th फ्लोर पे जा रहा हूँ स्टेयर्स से, क्योंकि मैं लिफ्ट में नहीं जा पाता। 4th आ गया, आधा हूँ। हे दीदी कीप शाइनिंग, थैंक यू। अरे यही देख रहे हो क्या बैठ के? तुम भी देखो, खुद को देखो। विनर हो भाई अलीशा राजू, थैंक यू थैंक यू। जय श्री राम जय श्री राम। लिफ्ट से आया तो हाय थक गए। बहुत हार्ड मिले उमेश भाई, थैंक यू थैंक यू। भाग्यश्री एट्थ फ्लोर, ये जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना दिक्कत देता है यार, इसको ठीक करना पड़ेगा। नाइन्थ फ्लोर है।
मजा आ गया हीरो बीबी में, थैंक यू तान्या। हे हीना, तुम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई? हाय भूमि, बस परसों आ रहा हूँ, परसों पंजाब आ रहा हूँ मैं, परसों ना, अभी टिकट नहीं करी है बट परसों। बाहर आते ही वर्कआउट शुरू, 11 फ्लोर हो गए, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू हर्षिता। लिफ्ट से आगे फिर से हाय वे, पानी ला दे। अरे यार लेट हो गए बेटा, पानी दे दे, जाएगा नहीं क्या? बस ठीक है, गिर जाएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कार में था फिर। आपने कहा आप यहीं पे हो, फोटो फोटो मत करो। हाय सुरु भाई, तो जो मुझे थोड़ा बहुत डांस आता था मेरे को सूरज भाई ने सिखाया था, जो मैं बिग बॉस में आने से पहले थोड़ा सा सीख के आया था। पानी दे दो। मैसेज देखने का टाइम नहीं है, विनर तो हूं। अरे नहीं यार, आए कनक अभी अभी पूरे मैसेजों में बातें मारेंगे। आई हैव वॉच बिग बॉस बट आई कैन डेफिनेटली से माई फैमिली इज योर फैन। थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच। थक गए यार, सिस्टम। जय श्री राम भैया, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। पंकज भाई खत्म हो गई। हाय आरती आर्य, कैसा लग रहा है अभिषेक? बहुत अच्छा लग रहा है, यू रॉक, थैंक यू। अभी ईशा से दूर रहना। अब आप लोग प्लीज मुझे रिमाइंड कराते रहना, वैसे तो मैं बहुत दूर रहूंगा, पहले भी दूर ही था, वो बिग बॉस में थोड़ा हम टकरा गए। भाई मेरी टीम बोलेगी इसके बारे में क्यों बात कर रहे, तो करनी नहीं चाहिए ना, नेगेटिव पॉइंट से हमें दूर रहना चाहिए। वेलकम कुमार जी। भैया हम ऐसे ही हैं, हाँ भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। ऑल द लव यू हैव गेटिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई कैन सी दैट। क्या सलमान खान को अभिषेक नाम के दूर? रिगार्ड्स टू योर मॉम, शी इज स्वीट, थैंक यू सो मच। अब और दूर जाना है भाई? हाँ भाई अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो बस श्री राम, बहुत दूर आगे जाएंगे, मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा। ये ज्वाइन वाला, जो ज्वाइन वाले हैं वो ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, और मैसेजेस वो एकदम से निकल रहे हैं। क्रब भाई रुको मैं आपको लेता हूँ, कैसे लेते हैं ये लाइव, कैसे लेते हैं मैं तो भूल गया। सम्राट भाई ये लाइव कैसे लेते हैं? करप भाई को कुछ खाएगा? नेट स्लो है क्या? पता नहीं, हाँ नेटवर्क ही नहीं है।
बोल देना इधर से। नहीं नहीं यहाँ से नहीं। इतना टाइम क्यों लगा रहा? मैं भूल गया भाई सारा कुछ, लाइव लोग का भूल गया मैं सारा कुछ। नहीं आ रहा भाई, काटना मत। हाँ हाँ यहाँ यहाँ से प्लस करो। कैसे आता है ये? अरे भाई क्या हाल है भाई के? बहुत बढ़िया, आप बताओ। खींच दिया भाई, मीटर खींच दिया भाई ने। खींच दिया ना? मैंने कहा आयुष भाई ने खींचा तो हमें भी खींचना पड़ेगा। ना ना भाई, गैली खड़े थे हम तो, अब भी गैली खड़े, टेंशन वाली बात ही नहीं है। मतलब हम तो नहीं खड़े थे कि ला भाई ला जीता हाथ खड़ा होने वाला, पर कोई नहीं, वो आपने कराना बेस्ट कर दिया मामला। बस मुझे पता था आप सब खड़े हो तो अंदर डरने की कोई बात ही नहीं थी, तो मैंने भाई लाख क्रॉस कर गई वॉचिंग अपनी गाइस, लाख लोग देख रहे हैं भाई हमें अब। अरे हाँ ये भी तो होता है, 113,000 आपके आने के बाद हुआ ये। अरे नाना भाई आप बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुके हो ब्रो अब। थोड़ा थोड़ा सा अच्छा तो लग ही रहा है ना। ना भाई तो अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। अभी तो बहुत आगे, बहुत कुछ चीजें करनी है, साथ में भी करेंगे कुछ और बहुत चीजें करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, शुरुआत है। हाँ भाई, पर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे, सम्राट ने, संजोग भाई ने बताया, आते ही मैंने देखा, मैंने कहा वाओ यार सो स्वीट की भाई मेरे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं भाई। पोस्टर पास्टर गाड़िया काफिला खूफिला ऑनलाइन लाइव भाई सबके में कर दिया था हमने, तो मतलब कर रखा था भाई हमने अपनी तरफ से, तो जितना हो सकता था। थैंक यू सो मच भाई, मतलब थैंक यू। आप बॉम्बे बॉम्बे का प्लान करो या मैं चंडीगढ़ दिल्ली का प्लान करता हूँ। ना ना कोई दिक्कत नहीं, अगले हफ्ते आ रहे हैं वैसे हम बॉम्बे, बैठ लेंगे, वरना आप दिल्ली आओ तो। हाँ बताना, अभी बॉम्बे हो ब्रो? अभी मैं बॉम्बे हूँ, कल पंजाब जाऊंगा। बहुत बढ़िया, ये हमारे भाई हरियाणा से हैं, इन्होंने हरियाणा में कितना रैंक कर रखा था। कैसे हो भाई आप? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखा आपने फॉलो किया पूरा बिग बॉस? बिल्कुल 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 भाई, मौज बांधी समा बांधी बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो वो था थोड़ा सा मतलब फीका फीका था, फिर बाद में जब मजा आने लग गया ना, एक तो वो वाला बहुत अच्छा पॉइंट था जब आपकी री एंट्री थी ब्रो, वो वाला सही था एकदम, है ना उस टाइम। पर वो वाली रात में थोड़ा और डर हुआ, मैं कहा ये तो सही हो गया। जब मैं बाहर गया वो वाली रात मेरे लिए इतनी बुरी थी ना, कि मैंने कहा यार इतनी मेहनत करने के बावजूद ऐसे जाना। मैं संजोग भाई के साथ टच में था, मैं कहा क्या अपडेट चल रहा है भाई बताओ, डंडा दो अंदर बताने के लिए, बताते नहीं है ना भाई कुछ, नहीं बताते, नहीं बताते मेरे को। उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया, एक रूम में रखा, खाना दिया, किसी ने कोई बात नहीं करी, सुबह ब्लाइंड फोल्ड लगाया, अंदर भेज दिया कन्फेशन रूम में। मैंने कहा है ये क्या हो रहा है भाई, बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं है वीरे, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, भगवान सब कुछ सोच समझ के ही करता। हाँ भाई, तो बेस्ट है वो। पर अच्छा हुआ मुझे नहीं पता था वो एक थप्पड़ वो भाई तालियां पिटी थी बाहर, हल्ला कट गया था। वो मैंने बाहर आके देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कि एपिसोड देखना एक एक करके आप, धीरे धीरे मजा आएगा। एपिसोड तो नहीं देख रहा, बट मैं जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो देखे मैंने, कि री एंट्री वाला, डांस वाला, ये सब। बट बहुत मजा आया, आप भी जाओ बिग बॉस में। आप भी जाओ, मजा आएगा। चलो ब्रो करो आप कंटिन्यू करो, ठीक है भाई, थैंक यू, ठीक है भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है जी, ओके भाई, जय श्री राम, ओके भाई। कैसे कटता है? हाँ तो कुछ पूछना है आपको कि कब क्या फील हो रहा था, मुझे कैसा था, मैं आपको सब बताने के लिए अभी रेडी हूँ, मैं बताऊंगा आपको। हाँ मैं एक पॉइंट खुद ही बता देता हूँ, जब मैं एग्जिट हुआ था, नहीं जब मैंने वो इंसिडेंट कर दिया था, उसके दो दिन तक मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या होगा। और जब डिसीजन आया कि मैं घर से बेघर हो रहा हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा, और वो एक रात में पूरी रात सो नहीं पाया, मैं सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलता गया और मैनिफेस्ट करता गया कि मैं वापस जाऊंगा घर में। और सुबह उन्होंने
ब्लाइंड फोल्ड करके मुझे कन्फेशन रूम में फिर से भेज दिया, तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि चलो एक और चांस मिला है, और आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे दोबारा सीरी एंट्री मिली और इतना सारा प्यार मिला, तो उस चीज की, उस बात के लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे आप अपना हमेशा प्यार बना कर रखना, लव यू भाई, कनेक्ट कनेक्ट करो हीरो, कनेक्ट करो हीरो, मुनावर को ऐड करो ना, मुनावर से मेरी बात हुई, वो मेरे पापा को उनसे मिलना था, उससे मिलना था, पर वो थोड़ा एक मीटिंग में था, और जब वो उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ तब तक मैं पापा को छोड़ आया था, मेरे पापा वापस चले गए हैं मम्मी पापा, तो मुनावर और मैं मिलेंगे जल्दी, और तब आपके साथ मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम मिले। हे हे वेल डन, हे सुजिता थैंक यू सो मच। और जिस जिसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया प्लीज बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखना, क्योंकि मैंने बहुत से नाम बताए, सम्राट भाई ने, सम्राट भाई हाय हाय बोल दिया, हेलो हेलो हेलो, राम राम जी, जय माता दी, जय श्री राम सभी। इनका फेस आधा स्क्रीन से बाहर जा रहा है क्योंकि इन्होंने 3 महीने सिर्फ बैठे हैं, खाया और देखा है बिग बॉस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एडिट्स करी है, तो इन्होंने बहुत, इनका बहुत बड़ा हाथ था, संजोग भाई का, सम्राट भाई का, आत्मिका का, तरुण भाई का, मेरी जो टीम है प्रॉपर, सबने बहुत कमाल किया, और सबने जिन सेलिब्रिटीज ने, जिन जिन परिवार वालों ने अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाया, सबको बहुत सारा प्यार, और अभिषेक के अवेंजर्स, अभिषेक के अवेंजर्स, जो मुझे पता ही नहीं था कि ये बन चुका है, मेरी मम्मा ने फैमिली वीक में आके बताया, अभिषेक के अवेंजर्स एक हमारा क्या बोल रहे फैंडम परिवार, एक वैसे तो मैंने अंदर एक परिवार स्टार्ट किया था, एक ही और परिवार, बट अभिषेक अवेंजर्स चला, हम लोग एक ही परिवार के हैं, तो सभी अभिषेक के अवेंजर्स को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा मेरी तरफ से दुआएं सबको, कि सबके साथ सब कुछ अच्छा हो, और आपका बस अपना प्यार बना के रखना, और हम फिर भाई आपके अवेंजर्स को तो मतलब जितना धन्यवाद किया जाए उतना दूंगा। थैंक यू, हाँ मैं धन्यवाद कर भी नहीं सकता हूँ, बट जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, और अभी हम उनके साथ एक वो जो अभिषेक के अवेंजर्स स्पेस बनाएंगे, मुझे स्पेस के बारे में नॉलेज नहीं है, बट इनको इन्होंने बताया कुछ होता है ट्विटर पे, तो समर्थ ने बहुत सारा खाया और पिया, यार क्या बोल रहे हो, नहीं अच्छा लड़का है समर्थ यार, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है वो बस अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई तो वो सीन हो गया, बट ठीक है, अब माफी नहीं मांगूंगा, बहुत माफियां मांग ली और उसने माफ भी कर दिया, ओके हो गए अब नहीं। ये लाइव में भी जा रहा है जो तुमने बोला, यूजी पाजी मैंने सुना आप लाइव देख रहे हो, कशिश भाई से, हाँ कशिश भाई यार नाम बता जाओ, कशिश भाई को बहुत सारा प्यार, और जो जो कशिश भाई, मिहिर भाई, इंदौरी, राज भाई दिल्ली से, छोड़ो तरुण भाई को, इनको पहले बोल दिया, और कौन है और बताओ ना, प्रिंस भाई, बहुत लोग मतलब अभी एकदम से नाम नहीं याद आ रहे, खान साहब काका जी, अफसाना जी, अजय हुड्डा भाई, दिलेर सिंह भाई, बहुत सारे, भरत मिलिंद भाई, हाँ हाँ, जस्ट अभी आया यूजी भाई का मैसेज भी आया, सबको जितने भी थे बहुत सारा प्यार, यूजी चहल पाजी को भी बहुत सारा प्यार, इन्होंने बहुत सपोर्ट दिखाया, और आत्मिका ने मेरी लाइट वो कर दी है, ओ सॉरी, मैं वो एसी चलाना चाह रही हूँ, तेरा रिमोट ढूंढ रही हूँ, एक बेटा सैमसंग कर दूँ, अरे ऐड कर लेते हैं, बहुत कैसे किया था आपने, कशिश है क्या, यूजी पाजी को करते हैं, अगर आ गए तो आओगे पाजी, हाउ आर यू, खानजादी से कब मिलोगे, जब उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा, अरे यार खानजादी को मैं मिल नहीं पाया हूँ, बट मैं मिलता हूँ जल्दी उससे, ये मैसेजेस कम आ रहे हैं, ये ज्वाइन ज्यादा दिखा रहा है, हैंग नहीं हुआ भाई, मैं कभी ऊपर नहीं, वो ज्वाइन ज्यादा कर रहे हैं ना तो वैसा दिखा रहा है।
सभी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे यहाँ से नहीं आता, यहाँ से हाय निशी। चलो अब रैंडम हम किसी को लाइव में लेते हैं, एक रैंडम एक लाइव करते हैं किसी के साथ। मेरी दीदी भी आना चाह रही है क्या? दीदी तू आएगी नहीं, मुझे पता है। दीदी तू लाइव आना चाहनी है, फिर तेनू रिक्वेस्ट भेज दे। आप मुझे दिख नहीं रहे हो, कट भी गए हो। आज आता है हाँ। किसी को लाइव में आना है तो प्लीज बताओ, व्यू रिक्वेस्ट। किवें आंदा है? यार ये मैसेजेस से ज्यादा तो ज्वाइन 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 दिखा रहा है। मैसेजेस तो ऊपर चले जा रहे हैं, देखना हम सामने से पढ़ के बताते हैं। हाँ बताओ, आपको दिख रहे हैं? हाँ अब आ एकदम से। लव यू भाई, ओए ऐड कर कर दो ऐड भाई, मुझे देर से आ रहे हैं क्या? इंग्लिश में बोलें कुछ कुछ। सत्य जी तुझे दिखता रहे नहीं कि मैं ऐड करा तुम्हें। लव यू वीरे। लकी कंबोज हांजी करता इंस्टा हैंग करता इंस्टा। मुझे क्या नहीं दिख रहा मैसेज? दो इधर से भी ना देख। ये ले फोन में, कुछ ये हाथ में पकड़ ले। हां यहां से कमेंट्स नहीं दिख रहे बहुत सारे भाई। यूके राइडर के लिए कुछ बोलो। यूके राइडर भाई बस क्या बोलूं उनके लिए, बहुत अच्छा इंसान है यार वो। जितने भी टाइम हम लोग साथ में थे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और बाहर आके मेरी बात नहीं हुई है, पर मैं उनको मैसेज करता हूँ। उनके साथ जो भी हुआ निकल गए वो बाहर, और फिनाले पे भी नहीं आया वो। मेरी बात नहीं हुई है, मैं अभी लाइव के बाद उसको कॉल करूंगा। बांग्लादेश में हीरो हो तुम, ऐसा कोई कह रहा है। गेम इज चेंज ब्रो, खतरनाक। साहिल डीएम चेक कर ले जब टाइम मिले। हाँ अर्जुन भाई मैं डीएम चेक करूंगा यार, अब आने लगे। चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। हाँ मैं पंजाब आ रहे हैं, कब जा रहा हूँ? तीन चार को लोकेशन फाइनल। मैं एक दिन पहले, मैं दो तारीख को पंजाब आ जाऊंगा। या तीन को। हबीबी कम टू दुबई। सनी सनी वीरा। हाँ भाई कशिश मेरा भाई, कशिश भाई ने पूरी जर्नी जी है। मैंने सुना ये जब मैं रोया हूँ तब रोए हैं, जब मैं हंसा हूँ ये हंसे हैं। जो भी इमोशन मैंने अंदर शेयर किए इन्होंने बाहर शेयर किया प्रॉपर। कश्मीर कब आएंगे? कश्मीर तो पता नहीं अभी। क्रेजियस बॉय हाय ताविश, हाय वंशिका। अरे यार सत्ती जी का बार बार आ रहा है पर वो दिख क्यों नहीं रही है? लोग आए रहे तेरे नेटवर्क का इशू है कुछ तो। मेरा कोई नेटवर्क इशू नहीं है, वाईफाई लगाया हुआ इतना बड़ा हमने यहीं पे बड़ा। दिख रहा होंगे? नहीं दिख रहा, मैं खुद को निहार रही हूँ। आपको भी देख के कुछ खास लग नहीं रहा वैसे।
थप्पड़ खाएगा ये सत्ती डॉन, ये बनी ईशा की मम्मी थी पर इन्होंने सपोर्ट मुझे किया है। रील से ज्यादा रियल इम्पोर्टेंट था ना मेरे लिए, इसलिए रील से ज्यादा रियल इम्पोर्टेंट था। इन्होंने दिल खोल के इंटरव्यूज दिए। तेरा मेरा बॉन्ड क्या है, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? काम आप और मैं हाँ घर पे हूँ। तू दिख नहीं रहा मुझे, क्या हो गया? मैं काट भी नहीं सकता, काटूंगा तो बात हाँ वो हो जाएगा। क्या ऐड करो? He is your fan. Thank you. ये चेतना जी कह रही है मुझे ऐड करो। चल तू बाकी को ऐड कर, तू दिख तो रहा नहीं मुझे। ठीक है ठीक, मैं भी बस जा रहा हूं। बाय, टेक केयर। पंजाब कब? अरे अरे पंजाब मैं एक दो दिनों में जाऊंगा और बस 5-10 मिनट और लाइव करके फिर हम चलते हैं। मुनावर भाई का ऐड करो। मुनावर भाई आई थिंक अभी यहाँ पे वो नहीं होगा तो वो नहीं खा पाएगा। यार आप और पतले होते जा रहे हो। यार तू चुप कर जा, मैं तेरे को बता रही हूँ चुप कर जा। डीजे चेतास, ये लड़कियां पागल हो रही हैं बाहर तेरे लिए। जो आपने बोली थी ना वो लाइन, वो बस सुन के मैं बहुत खुश हुआ था अंदर। मेरी सच में चेहरा नहीं आ रहा मेरा इसके बीच में, फोन की स्क्रीन के बीच में। हे भगवान खुशी देख मेरी। मैं भी बहुत पतला हो गया हूं अंदर जाके, मेरे को फिर से क्लीन करना। तू द हैंडसमेस्ट बॉय हो चुका है ना, फिर यू आर द हैंडसमेस्ट। बहुत पतला हो गया मैं, खत्म सब एब्स वगैरह सब चले गए मेरे। यार तेरे को देख के इतना अच्छा लग रहा है ना। क्यों आपने मुझे 3.5 महीने देखा नहीं बिग बॉस में? सॉरी 3.5 महीने आपने मुझे देखा नहीं बिग बॉस में? अरे देखा ना, पर ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को देख के। राज देना मैसेज नहीं कर रहा भाई, तू देख रहा है लाइव? दी मैं आऊंगा परसों, या मैं आपको टिकट भेज दूंगा, आपको बता बस तू जब कभी भी आएगा बता देना थोड़ा सा, सो दैट मैं चीजें या। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू कांक्षा। चेतना दी एक बार चिंटू हाँ आपने चिंटू बोलना छोड़ दिया होगा ना मुझे। मैं मर जाऊंगी तेरे को जिंदगी में कभी चिंटू। का इतना दुरुपयोग हुआ है कि मैं जिंदगी में कभी तुझे चिंटू नहीं बोलूंगी और मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी। स्ट्रगल कितनी है, हवा नहीं कितनी, परानु बधाइयां। थैंक यू लक्की वीरे, थैंक यू सो मच। मेरे को ना मैसेजेस नहीं दिख रहे, मेरे को सिर्फ ज्वाइन ज्वाइन दिख रहा है, पता आपको? क्यों? अरे नहीं बहुत सारे दे, कांग्रेचुलेशंस अभी। हां मेरे पास सिर्फ ज्वाइन ज्वाइन का आ रहा है। आप कैप क्यों लगाए हो? कैप के बिना मस्त लगते हो। कैप मैंने इसलिए लगाई कि मुझे रेडी होने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने लगा ली। ठीक है, हो गया। इंस्टाग्राम की टाइम लिमिट पूरी हो गई इसकी। मम्मा पापा आज चले गए, मैं कल या परसों आ जाऊंगा। वो तो सुरभि दी का मैसेज आया, बोल दे बस एक बार चिंटू, इसको नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। ये मेरा अभी तेरा नया नाम बात नहीं हुई अभी तक। क्या मैसेज यार? मैं खानजादी से बात हुई, मैंने कहा नहीं हुई अभी तक। अजय पाजी ने ज्वाइन कर लिया। अजय हुड्डा पाजी सत श्री अकाल, राम राम। मैं ऐसा ही हूँ दीदी, मैं ऐसा ही हूँ। मैं सबको बोलती रही हूँ तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। अब ये तो मेरी क्लास लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ता, अगर मैं गलत हो जाऊँ तो वहां कैसे बख्शता सबको? ये मतलब मैं हूँ ऐसा, अगर कोई गलत हो तो मैं बोल पड़ता हूँ, खुद को नहीं बोलता कभी कुछ। लेकिन जैसा भी है ये बहुत अच्छा है। कुछ कमियां हैं उनको पूरा कर लूंगा, उनको ठीक कर लूंगा। मम्मा बोल रहे थे को दैट वी लव यू। थैंक यू आंटी जी, मैं मामा नु
बहुत पसंद है। मैंने तेरी खातिर देखा, मैं कभी बिग बॉस नहीं देखती। मम्मा कहते हैं मैंने तेरी खातिर देखा, मैं कभी बिग बॉस नहीं देखती। और सच में नहीं, देखो पता है अभिषेक, मेरी लाइफ में आज तक मेरे घर में किसी ने बिग बॉस नहीं देखा एक्सेप्ट फॉर मी, बट सिर्फ तेरे लिए पूरा टब्बर बैठ के बिग बॉस देखा सबने। एवरीवन सो प्राउड ऑफ यू पर्सनली। मैं मुझे लगा नहीं था तू इतनी सिचुएशन से कोप अप करेगा, जैसे तूने फाइट किया है, हैट्स ऑफ। अरे मुझे भी नहीं पता था मैं मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था मैं टूट जाऊंगा, बट मैं टूटा नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म इम्पोर्टेंट था ना, कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें पता है कितनी मेहनत की है, तो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते थे। जो देख पा रहा था वो मतलब बहुत अच्छा लगा। देखो पता है जब तू प्रोमोज में रोता था ना, तेरा कोई प्रोमो आता था जिसमें तू परेशान, तो लिटरली मेरे प्रोमो जो दिखे वो रोने वाली दिखे मैं इतना रोई हूँ ना, मुझे एंजाइटी अटैक आते थे, तो मैं बात ही नहीं करती थी किसी से कि भाई तू इतना परेशान हो रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि तू ऐसे परेशान हो रहा था और कोई भी ना सत्ती जी ना मैं ना अंकित भाई, मतलब कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था सिचुएशन में, और इतना वो हो रहा था ना कि यार क्या क्या करे कि तू एकदम सही हो जाए। बट माता रानी डिड द बेस्ट फॉर अस। हाँ बट जब वो ईशा वाला सीन हुआ था, वो समर्थ वाला, तो मुनावर ने कहीं ना कहीं मेरे को हैंडल कर लिया था बहुत। हाँ एक्चुअली मुनावर ने तो को हैंडल किया था। वो मुझे सबसे चिल इंसान लगता है। हाँ अच्छा हो मंडी को मंडीगढ़ गुरु की नगरी दे भरा साडा तक पूरी दिल जित लिया पंजाब दा, थैंक यू वीरे। और जो तूने पंजाबी में गालियां निकाली थी ना, अरे जो तूने पंजाबी में बोला था चलो दी ठीक है, मैं भी चल ठीक है, ओके बाय। ठीक है दी, चलो गाइस थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार बना के रखो, और इतना इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। और मेरा गाना रिलीज हुआ है एवोकाडो, प्लीज जाके उसको देखो और बहुत सारा प्यार दिखाओ। यूट्यूब पे एवोकाडो अभिषेक कुमार आप सर्च करोगे तो आ जाएगा एवोकाडो। मैं ये पहले शूट करके गया था और अब रिलीज हुआ है, और इसको बहुत सारा प्यार दिखा, उसमें मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, प्लीज जाके देखो। और वीडियो बहुत अच्छी है, गाना बहुत प्यारा है, प्लीज जाके देखो और बहुत सारा प्यार दिखाओ। मैं आपकी कमेंट्स जाके चेक करूंगा अभी, और बहुत अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो प्लीज सब प्रोजेक्ट्स को बहुत प्यार दिखाना। और स्नो रैकेट्स पे है, प्लीज जाके देख के और बहुत प्यार दिखाओ। थैंक यू, बाय बाय गाइस, जय श्री राम।